हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लॉजिकल पजल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10 बेहतरीन जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना न भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश में जींस पहनने पर सजा दी जाती है। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा उत्तर कोरिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि रेल पटरियों के किनारे लगे विस्टल बोर्ड का क्या मतलब होता है। तो इसका अर्थ होता है हॉर्न बजाने से। ये बोर्ड जहां भी दिखता है वहां पर हॉर्न बजाना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है कि हियर और दियर में क्या अंतर है। तो इसका जवाब होगा टे। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा कूट शब्द। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा अन्ना राजमन मल्होत्रा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति का दिल एक मिनट में 156 बार धड़क चुका है। तो दोस्तों, इसका जवाब है नील आर्मस्ट्रांग। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है कि भारत से चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा राकेश शर्मा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा आठवां क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, इसका जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नवे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नवा प्रश्न है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा चित्तरंजन दास। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट अथवा दसवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक अथवा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।